हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिहार जेई की तरफ से बम्पर वैकेंसी आउट कर दी गई है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 2500 पदों के लिए भर्ती रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर आपकी 31,000 रुपये प्रति मंथ रहेगी। फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और आप किसी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आप हमें ज्वाइन करके ज़रूर रखिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित रोज़ 4 से लेकर 5 लेटेस्ट जॉब के अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनके ऑफिशियल नोटिस में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 PDF हैं और चारों PDF में आपके लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। तो बारी बारी से हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नोटिस जो है जारी किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 1944। ये रहा आपका विज्ञापन संख्या। पोस्ट यहाँ पर आपकी विशेष सर्वेक्षण अमीन की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। फ्रेशर्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी आपकी यहाँ पर 31,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। अब हम आ गए हैं दूसरे नोटिस पर। आप देख सकते हैं नोटिस आपका जो है 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया है, यानी आज ही के दिन। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है विशेष सर्वेक्षण कानून गो की। ये रहा आपका विज्ञापन संख्या। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 240 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर आपकी 36,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। और अब हमें अपनी तीसरी PDF पर, यहाँ पर पोस्ट जो है आपकी यहाँ पर रहने वाली है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की। ये रहा आपका विज्ञापन संख्या। पोस्ट यहाँ पर आपकी 96 रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे बीबीटेक स्नातक यानी बीबीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर आपकी 59,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। और ये है हमारी लास्ट PDF। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पर आपकी विशेष सर्वेक्षण लिपिक की रहने वाली है। ये रहा आपका विज्ञापन संख्या। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 226 पदों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपसे स्नातक मांग रखा, यानी आपसे डिग्री मांगी गई है, चाहे वो आपकी नॉन टेक में हो या फिर टेक्निकल में। सैलरी आपकी यहाँ पर 25,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। और अब हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो है आपका नोटिस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। कुल मिलाकर आपकी यहाँ पर 1,944 पदों के लिए भर्ती रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है आपके वैकेंसीज को बांटा गया है। जैसे SC के लिए यहाँ पर 293 पोस्टें रहने वाली हैं, ST के लिए 12, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 288, पिछड़ा वर्ग के लिए 161, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए यहाँ पर 93 पद रहने वाले हैं, जनरल के लिए यहाँ पर 1,005 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 92 पद रहने वाले हैं। और हम बात कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं उन्हें मिलने वाला है। जो भी दोस्त हमारे अलग स्टेट के हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप जनरल के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर आपकी 31,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है, जिसमें मानदेय जो है आपका 24,202 रुपये, आपका अंशदान 2,797 रुपये, प्लस जो है आपको यहाँ पर 4,000 रुपये मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट के लिए मिलने वाले हैं 12 महीने तक। यहाँ पर आपको बता रखा है विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात
ट्रेनिंग के समय स्वयं का लैपटॉप मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को एक वर्ष तक प्रतिमाह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात आगे के वर्ष के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले वे 400 रुपये प्रतिमाह तक ही प्रतिपूर्ति नियोजित अवधि तक की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। एज का कट ऑफ जो यहाँ पर आपका 1/1/2022 रखा गया है, मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज में यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज जो है आपको एज बता रखी है 37, 40, 42। अब बात कर लेते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर आपका 31 मार्च 2024 तक रहने वाला है। इसके साथ में यहाँ पर आपको बता रखा है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका 10वीं में जो भी आपके मार्क आए हैं और आपके डिप्लोमा में जो भी मार्क आए हैं उसके हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। 10th के मार्क का यहाँ पर आपका 10% लिया जाएगा और डिप्लोमा में जो भी आपके मार्क आए हैं उसका यहाँ पर 90% लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो रहे हैं 27 सितंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 21 अक्टूबर रहने वाली है। और अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है विशेष सर्वेक्षण कानून गो की। डिप्लोमा आपसे सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर आपकी 36,000 रुपये प्रतिमंथ रहने वाली है। बात करें आपके नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 240 रहने वाली है। आपकी सभी वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है। और हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 1/1/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी और मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है यहाँ पर आपको सेम दे रखी है जैसा पहले बताया गया था। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी यहाँ पर आपका सेम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन यहाँ पर आपका 10वीं में आपके जो भी मार्क आए हैं, डिप्लोमा में जो भी आपके मार्क आए हैं और 2 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो रहे हैं 27 सितंबर से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 21 अक्टूबर रहने वाली है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की। यहाँ पर आपसे सिविल इंजीनियरिंग में BBTech मांगा गया है और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर आपकी 69,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। एज का कट ऑफ यहाँ पर आपका 1/1/2022 के हिसाब से रखा गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 ईयर, 40 ईयर, 42 ईयर रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर आपका 31 मार्च 2024 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका 10वीं में जो भी आपके मार्क आए हैं, 12वीं में आपके मार्क आए हैं और BBTech में आपके जो भी मार्क आए हैं प्लस आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा, इसी के हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके यहाँ भी 27 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 21 अक्टूबर रहने वाली है। बाकी की जानकारी जो है आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 96 पोस्टों के लिए वैकेंसी रहने वाली है और आपकी वैकेंसीज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। और फिर लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए। यहाँ पर आपसे डिग्री मांगी गई है, चाहे डिग्री आपने इंजीनियरिंग में कर रखी है या फिर आपने नॉन टेक में कर रखी है। सैलरी आपकी यहाँ पर 25,000 रुपये प्रतिमंथ रहने वाली है। एज यहाँ पर आपकी मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए। एज का कट ऑफ आपका 1/1/2022 रखा गया है। बात कर लेते हैं आपकी मैक्सिमम एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 ईयर, 40 ईयर, 42 ईयर रहने वाली है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका 10वीं, 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए जो भी आपके मार्क आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके जो है 27 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 21 अक्टूबर रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी पोजिशंस के लिए आप लोगों के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका रहने वाला है। यहाँ पर ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होना है और ना ही यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है।
तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। जैसे इनकी तरफ से अप्लाई लिंक जो है ओपन होगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।